प्रश्न चार। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रश्न चार का पहला तो प्रश्न है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो प्रश्न क्या है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो कह रहा है कि प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, यानी यहाँ पे जो बहुपद है उसका घात लिखना है। तो इसका उत्तर में हम लिख देंगे, बहुपद का घात तीन है, तीन है। तो देखिए ये बहुपद क्या है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो यहाँ पे चर का अधिकतम घात क्या है, तो यहाँ पे x है, x का घात 1 है, यहाँ पे x का घात 2 है, x का घात 3 है। तो सबसे ज़्यादा जो घात है यहाँ पे 3 है। देखिए चर का जो सबसे अधिक घात है क्या है, यहाँ पे 3 है इस बहुपद का, तो बहुपद की घात क्या हो गया यहाँ पे, 3। तो हम लिख देंगे बहुपद की घात 3 है, लिखेंगे यहाँ, यहाँ बहुपद की घात 3 है, यानी इस बहुपद की घात क्या है, 3 है। जो सबसे ज़्यादा चर का घात होगा वही बहुपद की घात कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चर का घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है, कुछ नहीं है। तो x का घात 1, x का घात 2, x का घात 3। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे x का घात 3 है, यानी चर का घात 3 है। तो बहुपद की घात क्या है यहाँ पे, 3 है। दूसरा प्रश्न है, 4 - y² 4 - y² तो लिखेंगे यहाँ बहुपद की घात, यहाँ बहुपद की घात। तो इसमें देखिए चर का अधिकतम घात क्या है, 2 है, चर का अधिकतम घात 2 है। तो लिख लेंगे यहाँ बहुपद की घात 2 है। तो यहाँ बहुपद की घात क्या है, 2 है, क्योंकि जो चर है यहाँ पे, चर कौन है, बाई है यहाँ पे। तो बाई का घात क्या है, सबसे ज़्यादा 2 है यहाँ पे, और कोई तो बाई यहाँ पे, और कोई चर तो यहाँ पे है नहीं। तो बाई का घात 2 है, यानी इस बहुपद की घात क्या है, 2 है। तो चर का जो अधिकतम घात रहेगा वही बहुपद की घात होगा। तीसरा में है 5t। तीसरा में क्या है, 5t - √7 तो यहाँ पे देखिए चर कौन है, टी है। तो टी सिर्फ अकेले है, यानी एक है सिर्फ, तो इसका घात क्या है, 1 है। इसका घात यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या घात है, 1 है। तो हम लिखेंगे यहाँ बहुपद की घात 1 है। तो 5t - √7 तो 5t - √7 में चर क्या है, टी है, और टी का घात यहाँ पे क्या है, जब कोई घात यहाँ पे नहीं है तो 1 है। तो जब चर का यहाँ पे अधिकतम घात 1 है, तो बहुपद की घात क्या हो गया, 1। तो चर का जो अधिकतम घात रहेगा वही बहुपद की घात कहलाएगा। तो यहाँ पे टी का घात क्या है, 1 है, तो बहुपद की घात क्या हो गया, 1। प्रश्न चार में क्या है, 3 है। प्रश्न चार में सिर्फ 3 है। तो देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3
एक्स का घात शून्य, ठीक है, या 3 वाई का घात शून्य, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि घात शून्य देने पे क्या हो जाएगा, एक एक्स का घात शून्य क्या हो गया, एक हो गया, एक्स का घात शून्य एक हो गया, यानी 3 गुना 1 3, तो 3 को हम 3 एक्स का घात शून्य लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चर का घात क्या है, शून्य है, जब यहाँ पे कुछ नहीं, कोई चर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो चर का घात क्या है, शून्य है। कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे एक सी ले, बाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं। तो जब कोई चर यहाँ पे नहीं दिख रहा हो, तो क्या समझना है कि चर का घात यहाँ पे शून्य है, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ बहुपद की घात शून्य है, यहां बहुपद की घात शून्य है। तो चर का जो अधिकतम घात होगा वही बहुपद की घात कहलाता है। तो यहां बहुपद की घात क्या है, शून्य है। प्रश्न 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो प्रश्न 5 का पहला पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो पूछ रहा है कि कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में चर का अधिकतम घात क्या है, चर का अधिकतम घात 2 है, तो ये हो गया द्विघाती बहुपद। तो इसको लिख देंगे ये द्विघाती बहुपद है, क्या लिख देंगे, तो देखिए इसके सामने ही लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या हो गया, द्विघाती बहुपद। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे द्विघाती। तो ये कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, क्योंकि चर का अधिकतम घात यहाँ पे क्या है, 2 है। तो अगर चर का अधिकतम घात 2 है तो उसको कहेंगे द्विघाती बहुपद, ठीक है। देखिए एक्स का घात 2 है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे एक्स का घात 1 है, तो सबसे ज़्यादा घात क्या है, 2 है, तो द्विघाती बहुपद कहेंगे इसको। तो पूछ रहा है कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो ये द्विघाती हो गया, द्विघाती बहुपद, तो बस लिख देंगे द्विघाती। यहाँ पे बहुपद भी लिख सकते हैं, ठीक है, द्विघाती बहुपद। दूसरा दूसरा में है एक्स माइनस एक्स का घात 3, एक्स माइनस एक्स का घात 3। तो यहाँ पे चर का अधिकतम घात क्या है, 3 है। देखिए यहाँ पे एक्स का घात 1 है और यहाँ पे एक्स का घात 3 है, तो सबसे ज़्यादा जो घात है वो 3 है इसमें, इस बहुपद में। तो अधिकतम घात यहाँ, यानी यहाँ पे चर का, इस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 है, तो इसको कहेंगे त्रिघाती बहुपद, क्या कहेंगे, त्रिघाती त्रिघाती बहुपद, इसको क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। प्रश्न 3, बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4, बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे चर, देखिए चर का अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे 1 है घात, तो अधिकतम घात यहाँ पे क्या है, चर का 2 है, चर यहाँ पे कौन है, बाई है, और चर का अधिकतम घात यहाँ पे 2 है। तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 हो
उसको कहेंगे द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। तो ये कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। प्रश्न चार, प्रश्न चार में है एक प्लस एक्स, तो ये कौन सा बहुपद है? देखिए यहाँ पे एक्स का घात एक है, कुछ नहीं घात यहाँ पे लिखा हुआ है, तो समझ लेना है घात क्या है, एक है। तो एक्स यहाँ पे, एक्स का कोई घात यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो एक्स का घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है। तो चर का अधिकतम घात यहाँ पे क्या है? एक है। देखिए एक प्लस एक्स में चर कौन है? एक्स है। तो इसका कोई घात जब नहीं हो तो समझ लेना है कि घात क्या है? एक है। जैसे घात दो या तीन, तो x का कोई घात यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नहीं हो तो समझ लेना क्या है? एक है। तो x का घात यहाँ पे क्या है? एक है। तो जब घात यानी चर का अधिकतम घात एक हो, चर का अधिकतम घात एक हो, तो उसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। इसको क्या कहेंगे? लिख देंगे रैखिक बहुपद, क्योंकि इस बहुपद में चर का अधिकतम घात एक है। ठीक है, सिर्फ एक्स है तो इसका घात क्या है? एक है। तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात एक हो उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। प्रश्न पांच, तीन टी, तीन टी। तो इसमें देखिए चर क्या है? टी है। तो यहां पे भी टी का अधिकतम घात क्या है? यहां पे यानी टी का घात यहाँ पे क्या है? एक है। जब कोई घात नहीं हो चर पे तो उसको क्या समझ लेना है? कि एक है। तो टी, तीन टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चर कौन है? टी है। तो टी का यहाँ पे घात क्या है? एक है। जब यहाँ पे कोई घात नहीं दिया हो, दिया दिख रहा है, कोई घात जब नहीं दिया दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या समझ लेना है? कि घात एक है। तो चर, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात एक हो उसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। प्रश्न छः, आर स्क्वायर। तो यहां पे आर क्या है? चर है। और चर का घात क्या है? यहाँ पे दो है। तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात दो हो उसको क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। तो ये हो गया द्विघाती बहुपद। तो यहाँ पे चर का घात क्या है? चर का अधिकतम घात क्या है? दो है। यानी चर का घात दो है, यानी इस बहुपद का घात क्या है? दो है। तो लिखेंगे द्विघाती बहुपद। क्या लिख लेंगे? द्विघाती बहुपद। प्रश्न सात, तो प्रश्न सात में है सात एक्स का घात तीन। तो यहाँ पे इस बहुपद में चर का अधिकतम घात तीन है। देखिए घात तीन है चर का, यानी इस बहुपद की घात क्या हो गया? तीन। तो चर का, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात तीन हो उसको कहते हैं त्रिघाती बहुपद। तो इसको लिख लेंगे त्रिघाती बहुपद। ये क्या है? त्रिघाती बहुपद है। तो इस तरह से प्रश्न पांच हल कर लेंगे।